हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लाल चटनी की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ, जिसे हम चाट या स्नैक के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं। सामग्री में हमें चाहिए 12 से 13 सूखी लाल मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 12 से 13 लहसुन की कलियां, स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून नींबू का रस। सामग्री हमने चेक कर लिए, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में गर्म पानी लीजिए और उसके अंदर सूखी लाल मिर्च को इस तरह से तोड़कर डाल दीजिए। सारी लाल मिर्च हमने तोड़कर डाल दी है, इन्हें 15 से 20 मिनट इसी तरह से पानी में भीगे रहने दीजिए। 20 मिनट हो चुके हैं मिर्ची को भीगे हुए, अब इसे हम छानकर एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। लाल मिर्च डाल दी है, अब साथ में डालिए लहसुन की कलियां, अदरक और साथ में नमक और अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे पीसना शुरू करेंगे। चटनी को हमने पीस लिया है, चेक कर लेते हैं ये अच्छे से पीस चुकी है या नहीं। और ये देखिए चटनी हमारी पीसकर तैयार हो चुकी है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। चटनी हमने एक बाउल में निकाल ली है, अब इसके अंदर हम नींबू का रस डाल देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे। लाल चटनी हमारी बनकर तैयार है। आप इसे स्नैक या फिर चाट की रेसिपी के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे 3 से 4 दिन के लिए इजीली स्टोर भी किया जा सकता है। तो आई होप आपको मेरी लाल चटनी की रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चन हो आपके इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उनसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी इंग्लिश रिटर्न और हिंदी रिटर्न रेसिपी चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट के पेज पर विजिट करें, जो कि है achlafood.com। वहां पर आपको रिटर्न रेसिपी विद रेसिपी नोट्स विद स्टेप टू स्टेप पिक्चर मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।